दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो डायबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। ये बात सबसे आसान है समझने। तो इसलिए डायबिटीज के मरीज को कोलेस्ट्रॉल की चिंता ज्यादा करनी चाहिए बनिस्बत की शुगर की। हम शुगर खाएं कि न खाएं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन कभी भी न खाएं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डायबिटीज होती है। इंसुलिन उससे आलसी हो जाती है, काम करने लायक नहीं होती। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिनकी पैनक्रियाज खत्म हो जाए या काम बिल्कुल ना करे और इंसुलिन बनाना बंद कर दे, ऐसे बहुत कम मरीज होते हैं। अगर 1,00,000 मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से 8 या 10 मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं रही। लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आलसी हो गई है, काम करने में उसको तत्परता नहीं है, तेजस्विता नहीं है। तो आप उसको थोड़ा तेज बनाइए, एक्टिवेट कर दीजिए। और उसका सबसे सरल उपाय है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम कर दीजिए। तो डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है इस विषय पर कि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो खान पान ऐसा रखिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम होता चला जाए। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे खाएं, क्या खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाइए, क्योंकि ये डालडा सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डालडा किसी भी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंगबली के नाम से मिल सकता है, हनुमान के नाम से मिल सकता है, रुचि के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है। डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, ये बिल्कुल मत खाइए क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये मत खाइए। दूसरी कौन सी चीज ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दुनिया में दो ही चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एक तो ये है वनस्पति घी, वो किसी भी नाम से मिले, और दूसरा है मांस, वो चाहे कोंबड़ी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, भैंसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी जानवर दुनिया में मांस के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला जो कारक है वो है डालडा, गगन, रुचि, सोया, ये वनस्पति घी जो अलग अलग नामों से दिखता है। तीसरी और एक आखिरी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, तीसरी और आखिरी चीज वो क्या है, वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल। जो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करें, वो डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो, किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वनस्पति घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मांसाहारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब हमको कुछ गलत फहमियां हो गई हैं और मैं मानता हूं कि वो गलत फहमियां आपको डॉक्टरों ने दी है। जैसे एक गलत फहमी आपको ये हो गई है कि देशी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार आपको डॉक्टर बोल देता है कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये बताने आया कि देशी घी जब मैं बात करूंगा तो देशी घी का मतलब गाय के दूध से बनाया हुआ घी, और गाय का मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं, जर्सी गाय नहीं है। गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है गाय नहीं, क्योंकि उसमें गाय का कोई भी गुण नहीं। गाय के जितने गुण हैं वो जर्सी में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको देखने, हाँ भैंस का भी नहीं, भैंस और जर्सी एक ही है। आप जरा सोचो, भगवान कृष्ण ने भैंस क्यों नहीं पाली, सोचो ना आप इस बात,
भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, एक मशी को रख सकते थे। जिस घर में 7 लाख गाय, एक भैंस को पाल नहीं सकते थे, नहीं रखती थी। राम जी के घर में भी कभी गाय थी, मशी कभी नहीं आई। राम जी के पिताजी दशरथ, उन्होंने भी गाय पाली, कभी मशी नहीं पाली। मशी और भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। और आप जान लो, यमराज मृत्यु के देवता, तो मशी का घी खाओ और दूध पियो, जल्दी से यमराज के पास जाओ। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।